हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ISLM पार्ट टू थियोरेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल के लिए अगेन आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और वहां पे मैथमेटिकल वाले देखने होंगे जहां हम इक्वेशंस के थ्रू हर चीज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्लोप वगैरह, उसकी IS की इक्वेशन क्या होती है, LM की क्या होती है, उन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वेशंस की डेरिवेशंस बेसिकली वो हम वहां करेंगे। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, पार्ट टू है तो ऑब्वियसली पार्ट वन में हमने IS कर्व की है, पार्ट टू में हम LM कर्व करेंगे और थर्ड में इन दोनों का इंटरेक्शन करेंगे। देखो, बहुत सारी बुक्स में आपको क्या मिलेगा, IS LM खत्म, इंटरेक्शन हो गया, जहां पे बराबर है इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे क्या कि कहाँ पे एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाईज में भी होती है, और वो देखेंगे हम कहाँ होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो उस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, थोड़े अच्छे लेवल के इकोनॉमिक्स के, उनके अंदर। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। चलो तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं LM कर्व की। चलो मैं इतने लिखूं, अगेन वीडियो को लाइक करो। चलो भाई, तो LM कर्व ये होती है हमारी लिक्विडिटी से रिलेटेड, लिक्विडिटी मनी सप्लाई, ठीक है, मनी डिमांड बेसिकली। तो इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, LM कर्व यानी कि मनी मार्केट की हम बात करने वाले हैं, गुड मार्केट यानी कि कमोडिटी मार्केट की बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर ली। पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन वगैरह। अब ISLM का जो बैकग्राउंड था वो भी हमने IS वाली वीडियो में कवर कर लिया था कि क्यों आई थ्योरी, किंग्स के बाद आई, किंग्स ने नहीं दी थी, हिक्स हैंसन ने दी थी, वो सब हम पहले कर चुके हैं। IS के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड किया था हमने, ठीक है, तो वहां पे जाके आप आराम से वो चीज देख सकते हो। वैसे LM पे तो तभी आना, IS आपको अच्छे से आती हो, कर रखे हो स्लोप शिफ्ट प्रॉपर स्लोप, जैसे कि कई जगह आपको मिलेगा स्लोप जो है ये चीज चेंज होगी तो ऐसा होगा, लेकिन हमने उसको डायग्रामेटिकली भी देखा था कि क्यों ऐसा होगा, तो आप वो देखो अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो चीजों की बात होती है, एक होती है मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा, हमारे सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो अब सेंट्रल बैंक तो भाई फिक्स सप्लाई करेंगे, उनको तुम हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हम मानते हैं इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, वो भी अपनी सप्लाई चेंज करते हैं, जैसे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आ गया, बहुत सारे मॉडल करने वाले हैं जिसमें सप्लाई भी चेंज होगी और पता नहीं क्या क्या चेंज करेंगे हम लोग। इनफैक्ट इसी के अंदर भी हम देखेंगे जी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी डिमांड बढ़ जाएगी, क्या होगा कैसे होगा, IS के साथ शिफ्ट होगी, ये होगा वो होगा जो भी होगा। ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे लास्ट की। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी सप्लाई, और हम मानेंगे कि मनी सप्लाई इज अ कॉन्स्टेंट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक मर्जी से करेगा अपनी, जितनी उसका मन करेगा, और वो फिक्स रहेगी। बात आती है मनी डिमांड की, तो मनी डिमांड, मनी की डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है। अब जब हमने किंग्स का मॉडल किया था तो आपने देख दी मनी डिमांड हमारी डिपेंड करती है, एक ट्रांजेक्शन मोटिव था, एक प्रिकॉशनरी मोटिव था, और एक स्पेक्युलेटिव मोटिव था। ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी वो थे इनकम से रिलेटेड, कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम जाते हैं हम अपने पास ज्यादा पैसा रखें, या हम लोग पैसा ज्यादा रखते हैं कि भाई कल को कोई बीमार हो गया या कहीं पे जरूरत पड़गी, भाई कल को पढ़ाई के लिए जरूरत पड़गी, तो दे हमारे जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स। ठीक है, और स्पेक्युलेटिव भाई जैसे कि आज आपकी इनकम आई तो ये थोड़ी आज ही खर्च कर दोगे सारी, भाई रखते हो ना अपने पास, भाई पूरे महीने चलानी है, वो सैलरी आई है आपकी एक महीने की, तो आप पूरा महीना चलाओगे, जिस दिन मिली है उस दिन थोड़ी खर्च करोगे, तो हम मनी रखते हैं अपने पास कुछ डे टू डे कामों के लिए। और दूसरा भाई कल को जरूरत पड़गी वाला फैक्टर यानी कि प्रिकॉशनरी। थर्ड स्पेक्युलेटिव होता है। ठीक है, तो पहले दो जो है वो रिलेट करते हैं इनकम से, अगर इनकम बढ़ेगी इनकम कम होगी तो हम ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे, इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा रखेंगे, इनकम कम है तो हम कम रखेंगे, ऑब्वियस ही चीज है। नेक्स्ट होता है स्पेक्युलेटिव, वो इनकम से रिलेट नहीं करता, वो रिलेट करता है बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट से। स्पेक्युलेटिव क्या होता है, यानी कि जो हम शेयर्स बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं वो होता है स्पेक्युलेटिव, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए हम जो चीज कर रहे हैं वो हमारी होती है, जो हम मनी डिमांड जितनी रखना चाहते हैं वो हमारी होती है स्पेक्युलेटरी मोटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होती है तो हम मनी डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होती है तो हम मनी डिमांड कम करते हैं। क्यों, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है यानी कि अगर आप वहां पैसा लगाओगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। ठीक है, कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो मतलब आपको ब्याज ज्यादा मिल रही है, तो आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आप अपने पास पैसा रखना चाहोगे या लगाना चाहोगे, ऑब्वियस लगाना चाहोगे तो मनी डिमांड कम होगी क्योंकि हम वहां पैसा लगा रहे हैं, राइट। तो नेगेटिव रिलेशन होता है, तो मनी डिमांड मनी सप्लाई। ठीक है,
क्लियर हो गया। मनी डिमांड की जो हमारी बेसिकली इक्वेशन होती है वो भी हम लिखते हैं KY माइनस HI, यानी कि माइनस क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है इंटरेस्ट के साथ, इनकम के साथ पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। अभी के और एच भाई साहब क्या है, तो के अब हमको पता है कि इनकम जो है वो बढ़ेगी तो हमारी मनी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगी वो दिखाते हैं के, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू किस चीज का, इनकम। आय हमें पता है अगर हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मनी डिमांड कम होगी कितनी, तो वो दिखाता है एच, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इक्वेशन मनी डिमांड की। ठीक है, वैसे ही बता दी मैंने, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और मनी सप्लाई की हम लिख देते हैं एम बार बाय पी बार, सॉरी पी बार नहीं ओनली पी, यानी कि मनी सप्लाई इज कॉन्स्टेंट बाय में पी, क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी होती है इक्वेशन बेसिकली, ये सिर्फ वैसे एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी हम मेन जो इनकी डेरिवेशन वगैरह वो तो मैथमेटिकल पोर्शन में करेंगे। एग्जाम में लिखोगे नंबर ज्यादा मिल जाएंगे दो तीन, तो आपकी मर्जी है लिखना चाहो तो, बहुत ईजी चीज है क्योंकि हमें पता है मनी डिमांड किस चीज से लिखना है, किस चीज से, जरूरी नहीं है के और एच लिखना, के तो लिखना क्योंकि यू नो फॉर्मल नोटेशन है, बाकी अगर आप कुछ और भी लिखो तो आप लिखो कि वो चीज किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, मतलब के एक्सप्लेन दिस, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू इनकम, एच रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको मेंशन कर देना है बेसिकली। और ये आपको पता है इनकम के साथ पॉजिटिव और इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। बात आते हैं डायग्राम पे, तो डस्ट का हो गया, ठीक है, तो डायग्राम पे बात करते हैं। डायग्राम में हम क्या देखेंगे, मनी डिमांड मनी सप्लाई, ओरिजिन, यहां पे हम लेंगे फंड्स, ठीक है, और यहां पर हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर यहां पे मनी भी लिख सकते हो आप, मनी डिमांड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई तो कॉन्स्टेंट होती है, अभी बताया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव, तो मनी डिमांड हमारी कैसी होगी, नेगेटिव। लो भाई ले ली मनी डिमांड, मनी डिमांड जो है ना वो फंक्शन इनकम का होती है, इनकम के साथ रिलेशन होता है पॉजिटिव। वाई वन ले लिया, वाई टू ले लिया, तो अब हमारे हमने कहा कि मनी डिमांड ये है, मनी सप्लाई ये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी ये है आर वन। अब हमने कहा इनकम बढ़ गई, लो भाई इनकम बढ़ी, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन, तो मनी डिमांड बढ़ गई, ऊपर शिफ्ट हो गई, तो अब नया इक्विलिब्रियम आया यहां जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर टू बढ़ गई, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, इनकम बढ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, बाय सही है ये, तो हम क्या करेंगे एलएम कर आर वाई, ठीक है, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी थी, इनकम इतनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, इनकम बढ़ी, रिलेशन पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो हमारी एलएम कर्व है ये क्या शो कर दिया है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर दिया है जहां हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम आपस में इक्वल होते हैं, कहां मनी मार्केट के अंदर, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ऊपर जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एलएम कर्व की डेरिवेशन हो गई, तो अब हम बात करते हैं इसकी स्लोप की। तो अब अगर आपको एलएम कर्व की डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, कि एलएम कर्व कॉम्बिनेशन होती है उन सब पॉइंट्स का जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम की इक्वल होती है इन मनी मार्केट, इन मनी मार्केट और इन गुड मार्केट, तो जरूर लिखना क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आईएस कर्व के अंदर कि मनी मार्केट में पॉजिटिव है और गुड मार्केट में नेगेटिव है आईएस कर्व, लेकिन दोनों शो करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारे इनकम के रिलेशन को, राइट, दोनों सेम रिलेशन शो करनी है, गुड मार्केट है मनी मार्केट है, तो इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है कि गुड की बात कर रहे हो या मनी मार्केट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा आता है स्लोप, तो क्या होता है स्लोप, मतलब ये स्लोप बेसिकली किस चीज से अफेक्ट होता है, हमारा पहला जो होता है जो स्लोप को अफेक्ट करता है, तो स्लोप को अफेक्ट करने के लिए पहली चीज होती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू वाई, यानी कि इनकम, सेकेंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले वाला केस, मतलब कि अगर इनकम में चेंज होने से मनी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, अगर इनकम के चेंज होने से मनी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, राइट,
इनकम में चेंज होने से मनी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, यानी हाईली रिस्पॉन्सिव, यानी कि हाईली रिस्पॉन्सिव है अगर मनी डिमांड टू इनकम, या इलास्टिसिटी ज्यादा है, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर हाईली रिस्पॉन्सिव है, हाईली इलास्टिक है, तो क्या होगा? तो देखो, ये हमारी मनी सप्लाई थी, ये अपनी मनी डिमांड थी। इनकम में थोड़ा चेंज, मनी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि हाईली रिस्पॉन्सिव है। स्कोर बढ़ा, तो ये हमारा बहुत ज्यादा चेंज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से आर वन हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो मनी डिमांड वाई वन इनकम पे, वाई टू इनकम पे, यानी कि इनकम में थोड़ा सा चेंज और मनी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि से इनकम आर इतनी है, इनकम इतनी है, तो हम कहीं इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, इनकम थोड़ी सी बढ़ी, इनकम बढ़ी थोड़ी सी, और थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, से इतनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, यहाँ। तो हम कहीं इस पॉइंट पे आ गए, तो आईएस एलएम कब हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह, ठीक है। तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ये होता है हाईली रिस्पॉन्सिव का केस। अब मैंने आपको मनी डिमांड की इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी, के वाई माइनस एच आई। अब यहां पर क्या हुआ, मनी डिमांड के अगर वाई के हाईली रिस्पॉन्सिव है तो ये स्टीप होती जा रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो वहां भी स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है तो वहां भी स्लोप कम है, राइट। अब अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन होगा, जो कि हमारा सेकंड केस है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि इनकम और मनी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन था, पहले बताया था मैंने, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज अगर मनी डिमांड में बहुत चेंज ला रहा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थोड़ी सी बढ़ रही है और मनी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, मतलब कि अगर यहाँ पे मनी डिमांड जो है ज्यादा स्टीप है, तो वहां पे वो एलएम स्टीप है, सेम, मतलब कि सेम चीज जो चलती है, यहाँ हाईली रिस्पॉन्सिव है तो ये स्टीप है, या लेस रिस्पॉन्सिव है तो ये जो है फ्लैट है, ठीक है। यहाँ उल्टा होगा, अगर यहाँ हाईली रिस्पॉन्सिव है मनी डिमांड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा जो स्लोप होगा वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, और अगर लेस रिस्पॉन्सिव है तो स्टीप हो जाएगा। तो यानी यहाँ उल्टा चलेगा, यहाँ सीधा चलेगा, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट, तो शिफ्ट को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो शिफ्ट हमारा क्या होता है एलएम के अंदर, तो देखो शिफ्ट होता है जो एलएम कर्व के अंदर, वो कैसे होता है, ये हमारी क्या है, एलएम कर्व है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां इनकम। मैं अगर कहूं कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो बहुत उतनी रहे और मनी हमारी इनकम बढ़ जाए, तो नई एलएम कर्व कहां बनानी पड़ेगी, यहां बनानी पड़ेगी मेरे को, यानी कि एलएम कर्व क्या होगी, शिफ्ट होगी। या मैं कहूं कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी रहे और इनकम कम हो जाए, तो एलएम कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी, यहां आगे की तरफ, ठीक है, इधर राइट वर्ड उधर लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रह रही है और इनकम में चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब मनी सप्लाई चेंज होगी, क्योंकि मनी सप्लाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मनी सप्लाई चेंज बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इनकम कम होगी। तो जब मनी सप्लाई में चेंज आता है तो एलएम शिफ्ट होती है, या देयर कुड बी मेनी रीजंस जिसकी वजह से ये हो सकता है, जो कि हम लिखते नहीं है, बट देखो अब जो हमारी थ्योरीज होती है उनके अकॉर्डिंग थोड़ी इकोनॉमी चलती है, वो तो भाई अपने हिसाब से चलती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मान लो आपको लगने लग गया कि बैंक सेफ नहीं है, बैंक में पैसा रखना बहुत बेकार काम है, ठीक है, क्या पता कब डूब जाए बैंक, तो आप लोग क्या करोगे, मतलब कि सब लोग, मान लो पूरी सोसाइटी में ऐसी कुछ र्यूमर्स फैल गए, तो आप सब लोग क्या करोगे, बैंक से पैसा निकलवा लोगे और अपने पास रख लोगे, यानी आपकी मनी डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज इसमें हो रहा है, आपको ऐसे र्यूमर फैल गया और आपने सारा पैसा अपने पास रख लिया, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज हुआ, लेकिन मनी डिमांड में चेंज हुआ, और मनी डिमांड से हमारी
एलएम पे अफेक्ट आएगा। तो मतलब बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब हो सकता है, लेकिन हम थ्योरेटिकली सिर्फ मनी सप्लाई को लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक हम डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं। और वैसे बहुत रीजन होते हैं क्योंकि इकोनॉमी प्रैक्टिकल के हिसाब से चलती है और वो थ्योरेटिकल में हम बहुत अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को एक दो नंबर ज्यादा लेने हैं अपने मार्क्स में, सॉरी टेस्ट वगैरह में, मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हो, तो आप चाहो तो वैसे तो मैं देखो मैंने डेरिवेशन के लिए अलग वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, जहाँ पे मैथमेटिकली आईएसएलएम को एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है कि हाँ भाई एक आधा नंबर फालतू आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। तो एलएम कर्व की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज 1/h। देखो बहुत जगह आपको एलएम की इक्वेशन जो है वो वही वाली मिलेगी, के वाई माइनस एच आई, कुछ लोग बता भी वही देते हैं, पढ़ाते भी वही है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। वो हमारी मनी डिमांड किया और मनी सप्लाई हमने कॉन्स्टेंटली, तो मनी सप्लाई कॉन्स्टेंट है इसलिए उसी को एलएम की कर्व की मान लेते हैं इक्वेशन। लेकिन जो रियल होती है वो ये होती है जब मनी सप्लाई को भी लेके चलते हैं। तो ये होगी हमारी के वाई माइनस एम बार बाय पी। अब ये क्या है, एच यू नो वेरी वेल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, याद रखो के वाई माइनस एच आई, एच सॉरी हाँ एच। अब नेक्स्ट आता है हमारा के, यू नो वेरी वेल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू इनकम, y इनकम, m बार मनी सप्लाई, p प्राइस। और अगर आपको स्लोप बताना है तो देखो lm कर्व ये होती है, यहां होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां होती है इनकम। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, तो dr बाय dy, तो दिस इज dr बाय dy, दैट इज इक्वल टू माइनस k बार बाय i बार, फाइन। तो ये हमारी छोटी सी, अगर आप चाहो तो इक्वेशन याद कर सकते हो, डेरिवेशन नहीं करनी तो अच्छा लगेगा लिखोगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर कुछ लोगों को आईएसएलएम जो लास्ट में डेरिवेशन होता है, तो कुछ लोग तो बस इतना ही कर देते हैं कि हाँ भाई ये होगी आईएस, ये हो गया एलएम, और यह अपना आ गया इक्विलिब्रम, और ये होगी इक्विलिब्रम हमारी आईएसएलएम मॉडल में, इक्विलिब्रम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रम इनकम। बट अगर आपको ये देखना है कि अगर हम इक्विलिब्रम पे नहीं है, उसके अलावा यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे, तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, वरना आप यहीं पे भी खत्म कर सकते हो। अगर आपको अपने एग्जाम वगैरह में इतना ही लिख के आना है, अगर आप कुछ अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो वो देखना जरूरी है, जहाँ पे हम एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वगैरह की बात करने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली हमारी वो इसके ऊपर होने वाली, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, उनका आपस में इंटरेक्शन वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो बाय बाय, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।